Hello friends, I'm from Shivshakti English Coaching Center presenting here about some words. मैं शिवशक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर से आज एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेकर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश के बारे में जानते हैं तो मुख्यतः हमें दो चीजों पे फोकस करना पड़ता है. पहला हमारा होता है ग्रामर चैप्टर और दूसरा होता है हमारा वोकैबुलरी चैप्टर, मींस ग्लोसरी चैप्टर, वर्ड पावर चैप्टर. हमें जिस तरीके से इंग्लिश में ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उसी तरह हमें इंग्लिश में प्रॉपर वर्डों का भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा एंटोनिम्स है, ये हमारा सिनोनिम्स है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है, एंड वी कैन नो बेटर अबाउट देम टू प्रिपेयर पार्ट ऑफ स्पीच. और हम उसके बारे में बेहतर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को जान करके या वर्ड का अलग चैप्टर. कोशिश करते हैं हम आपको इस वीडियो में या अगले कई वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप हमें कमेंट्स लिखेंगे जहां पर वर्डों में प्रॉब्लम है या अलग होना चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मींस होता है विलोम, राइट, या वी कैन से अपोजिट वर्ड. डेफिनेशन इज देयर, या वी कैन से द वर्ड्स विच गिव द अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स. ऐसे शब्द जो अपोजिट मीन्स विपरीत, विलोम अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके एंटोनिम्स या विलोम शब्द, राइट. जैसे अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? बुरा. महंगा, इसका अपोजिट क्या होगा? सस्ता. तो उसी तरह इसमें कुछ वर्ड हैं जब कई बार हम पैराग्राफ करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इस वर्ड का हमें अपोजिट दीजिए. तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अपोजिट एक अलग वर्ड होता है और अपोजिट अलग वर्ड होता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम प्रीफिक्स लगा करके और उसका अपोजिट बनाते हैं. चलिए पहला वर्ड देखते हैं. इसमें रूरल पिछड़ा और इसका अर्बन विकसित, ये दोनों वर्ड अलग है. आपको रूरल वर्ड भी रटना पड़ेगा और अर्बन वर्ड भी रटना पड़ेगा, राइट. सेकेंड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कृत्रिम, मानव निर्मित. नेक्स्ट, कॉस्टली चीप. ये दोनों वर्ड बिल्कुल अलग होते हैं, ये वर्ड भी अलग और आपका अपोजिट वर्ड भी अलग होता है. नेक्स्ट है हेवन, स्वर्ग, हेल, नर्क. नेक्स्ट, हैप्पी, खुश, अनहैप्पी, नाराज. एडवांटेज, अब यहां पे अलग हो जाता है, हैप्पी वर्ड है, इसका अलग हम शायद लिख सकते हैं, पर एक और भी हमारे पास जो वर्ड है उसके माध्यम से हम बना सकते हैं. हम इसमें अन लगा दें तो ये क्या हो गया? अनहैप्पी. जस्ट अन क्या कर रहे हैं? वर्ड को अपोजिट कर रहे हैं. फिर यहां पर एडवांटेज है, इस वर्ड को अलग कौन सा आपका करता है? डिश करता है. डिसएडवांटेज, एडवांटेज मीन्स लाभ, डिसएडवांटेज मीन्स हानि. वैसे तो लॉस मीन्स भी हानि होती है पर हम डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं. तो ये बिल्कुल इजी सा मैटर होता है. आप एक वर्ड लिखो, एक अपोजिट वर्ड लगाओ, उसमें जैसे डिसएडवांटेज का एग्री का डिसएग्री हो गया, इसमें एडवांटेज का डिसएडवांटेज हो गया, चार्ज का डिस्चार्ज हो गया. तो ये पूरे वर्ड किस वर्ड से कितने वर्ड अपोजिट बनाए जा सकते हैं वो हम आपको प्रीफिक्स सफिक्स के माध्यम से अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा बिहेव, इसका मिस बिहेव. अब मिश में भी जैसे लीड हो गया तो इसका क्या हो जाएगा? मिस लीड हो जाएगा. प्रिंट है तो क्या हो जाएगा? मिस प्रिंट हो जाएगा, राइट. फिर है पुअर, पुअर का क्या हो जाएगा? रिच. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड की हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसे प्रिपेयर करेंगे और फिर जैसे आपके एक पैराग्राफ में कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ राइट एग्जाम के लिए माध्यम से डिस्कस करूंगा आपके साथ. जैसे यहाँ पर हम एक वर्ड लिखते हैं और अभी जो हमने पढ़ा है उसी में आया है. जैसे हमने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ क्या? गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ, और उसके बाद फिर खाली स्थान है और यहाँ पर हमें ब्रैकेट में ये दिया हुआ है रूरल और दूसरा दिया है अपोजिट वर्ड ऑफ, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ रूरल, राइट. अब उसमें लिखा क्या? पैराग्राफ सर्च के एक वर्ड लीजिए और यहां पर वर्ड लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? रूरल का अपोजिट क्या होता है? अर्बन, यू आर बी एन, राइट.
सेकंड में मान लेते हैं कि यहां पर वर्ड लिखा है गिव द अपोजिट ऑफ, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ नेचुरल, NATURAL नेचुरल। अब यहां पर हम पैराग्राफ से सर्च करेंगे तो कौन सा वर्ड सर्च करना हमें, आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल। मींस मुख्यतः हमें ये कंफर्म करना है कि एंटोनिम्स मींस अपोजिट वर्ड होते हैं, जस्ट उल्टा वर्ड होता है। जब भी हमें पैराग्राफ में बोला जाता है हम उस वर्ड को देखते हैं और ऊपर लिखे गए पैराग्राफ में ढूंढते हैं और वही वर्ड हम लिख देते हैं, राइट। और उसके अलावा भी हम बहुत सारे वर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स में काम में आते हैं, राइट। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स, तो आप इसे प्रिपेयर करें, इस वीडियो में कमेंट्स लिखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।